नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर देश के 15 लाख बिजली कर्मचारियों व इंजीनियरों के साथ उप्र के बिजली कर्मियों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम केंद्र शासित प्रांतों व उड़ीसा में निजीकरण के विरोध में की। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स NCCOEE के निर्णय के अनुसार आज देश के 15 लाख बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के साथ उप्र के बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम केंद्र शासित प्रांतों व उड़ीसा में निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन सभा की। केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण के बाद उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के वायदे को खारिज करते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उप्र ने स्पष्ट किया है कि निजीकरण किसानों और आम घरेलू उपभोक्ताओं के साथ धोखा है और निजीकरण के बाद बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि होगी। यह AK श्रीवास्तव, अध्यक्ष विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ उत्तर प्रदेश। यह धरना जो है, धरना क्या, यह प्रदर्शन और सभा जो थी, यह 2020 का जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसमें जो सरकार निजीकरण करने जा रही है उसके विरोध में, उसको वापस लेने के लिए, और जो निजीकरण पूर्वांचल का करने जा रहे हैं इसको तीन भागों में बांटने का प्रयास जो किया जा रहा है उसके लिए जो है यह आज का कार्यक्रम जो है संचालित किया गया है। और वो यह पूरे प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन में, जनरेशन में, हर यूनिटों पर, हर जगहों पर, हर कार्यालय मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर यह कार्यक्रम हुआ है और सारे लोग बड़े जोशों खरोश से जो है इसमें लोग भाग लिए हैं। और हम सारे लोगों की यह मांग है कि इसको जो है सरकार हस्तक्षेप करके और यह जो निजीकरण का प्रयास किया जा रहा वह जो है न तो मजदूर हित में है, न जो है जनता के हित में, न किसानों के हित में है, क्योंकि यह महंगी बिजली वो देने की पूरी साजिश है। और यह निजीकरण करने से जनता का, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो है स्मार्ट मीटर के नाम पर 2 लाख उपभोक्ताओं को जो है कितना कष्ट उठाना पड़ा। अगर यह निजी के हाथों में जाएगा तो जनता को 10 से लेकर के 15 रुपये तक की बिजली खरीदनी पड़ेगी, जैसे कि जो है दिल्ली में और बॉम्बे इत्यादि में हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम सारे जनप्रतिनिधियों से भी अपील करते हैं और अपने मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील करते हैं कि ये राष्ट्र हित में और देश हित में, प्रदेश के हित में इसका